बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। इस मामले में अधिवक्ता और अमेकांत तिवारी ने जनहित याचिका लगाकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश किया और बताया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मामले में सरकार ने जवाब के बाद याचिका निराकृत कर दी गई। सेम इंसिडेंट था वो जो मारपीट बुखारी पेट्रोल पंप में हुई थी उसको लेकर के मेरी याचिका में मैंने शासन से फ्री मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी मांगा था जो विक्टिम था पंचराम उसके लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से जांच और कंपनसेशन की मांग की थी।